दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप सभी, मेरा जो YouTube चैनल है डीमोनेटाइज हो चुका है YouTube की तरफ से मिसलीडिंग मेटाडेटा बोल के मेरा चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया है। और यहाँ पे लिखा है ठीक एक महीने के बाद आप अपने वीडियो को एडिट करें, संशोधन करें, उसके बाद रीअप्लाई करो, यहाँ पे दिया है। लेकिन फाइनली 9 फरवरी हो चुका है, आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ 9 फरवरी हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक मुझे रीअप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिला है। तो गाइस, अगर आपका भी कुछ ऐसे सिचुएशन होता है कि रीअप्लाई करने का डेट मिलने के बाद उस डेट को आपको रीअप्लाई का ऑप्शन ना मिले, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, तो सिंपल सा है, मुझे इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो भी आपको डेट दिया रहेगा उसके ठीक एक दिन के बाद ही रीअप्लाई का ऑप्शन मिलता है। यानी यहाँ पे 9 फरवरी मुझे दिखा रहा है, तो मुझे 10 फरवरी को ही चेक करना होगा, देन मुझे क्या है रीअप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए एक दिन वेट कर लेते हैं। तो फाइनली आज 10 फरवरी हो चुका है और रात यहाँ पे 1:27 हो रहा है। यहाँ पे मैं चेक करूँ तो सच में यहाँ पे रीअप्लाई का ऑप्शन मिल चुका है। तो सुबह का वेट नहीं करेंगे, फटाफट से मैं यहाँ पे रीअप्लाई करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से रीअप्लाई पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने रीअप्लाई पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखिए अंडर रिव्यू में चला गया मेरा जो मोनेटाइजेशन का प्रोसेस। और यहाँ पे दिखा रहे अपने 10 फरवरी को रीअप्लाई किया है और एक महीने तक समय लग सकते हैं। तो चलिए वेट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस, आज शाम को मैंने चेक किया यहाँ पे YT स्टूडियो पे, तो यहाँ पे मेरा जो मोनेटाइज का सिंबल यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए अभी मेल पे जाके मैं चेक करता हूँ क्या मेल रिसीव हुआ है मुझे। तो यहाँ पे मैंने मेल चेक करने के बाद यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आ चुका है, आपका चैनल फिर से मोनेटाइज ऑन हो चुका है। शाम को 4:22 में ही ये मेल रिसीव हुआ, यानी 15 से 16 घंटे के अंदर मेरा चैनल को मोनेटाइज ऑन कर दिया है, क्योंकि मैंने 10 फरवरी को ही रात को अप्लाई किया है 1:27 के आसपास और शाम को ही मेरा मेल रिसीव हुआ है। तो इतना कम समय में मोनेटाइज ऑन होने का रीज़न भी यही है, क्योंकि मेरा चैनल को ऑल है, पहले से मोनेटाइज था, बीच में कुछ मिस्टेक हुआ है जिस वजह से डीमोनेटाइज हो गया था, इसलिए इतना कम समय में मोनेटाइज ऑन कर दिया। अगर यही चैनल अगर न्यू अप्लाई करते हैं तो एकदम मिनिमम 2 दिन का समय लगेगा आपको अंडर रिव्यू का प्रोसेस होने में। तो चलिए मैं फटाफट से क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और सभी वीडियो पे मैं अपना मोनेटाइज को ऑन कर लूँगा। तो चलिए क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन किया और यहाँ पे दिखा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन KB क्रिएटिव, फिर से आपका चैनल मोनेटाइज ऑन हो गया है। गेट स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और अभी मुझे जाना होगा वीडियो सेक्शन पे। चलिए तो यहाँ पे आ चुका हूँ, तो सारे के सारे वीडियो को मैं एक साथ क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और एडिट ऑप्शन पे जाता हूँ। जाने के बाद मोनेटाइज पे क्लिक करेंगे। चलिए और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे वीडियो अपडेट पे मैं जैसे क्लिक करूँगा पूरे के पूरे वीडियो एक साथ मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पे टिक मार्क देना है, तो स्टार्ट अपडेट चलो। तो यहाँ पे देखो मेरे पूरे के पूरे वीडियो पे मोनेटाइज ऑन हो चुका है अभी बहुत ही आसान तरीके से। सो दोस्तों, मैं इस वीडियो से आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका भी चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है तो आप कभी भी ये मिस्टेक ना करें जो मैंने मिस्टेक किया है। मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे टैग लगाता था जिस वजह से अभी मिसलीडिंग मेटाडेटा बोल के यूट्यूब ने मेरे चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया है। तो आप लोग ये मिस्टेक ना करें व्यूज़ के चक्कर में, नहीं तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। जो मैंने गलतियाँ की है वो गलती आप लोग ना करें, क्योंकि ये गलतियाँ करेंगे तो आपका चैनल भी डीमोनेटाइज कभी भी हो सकता है। सो इस वीडियो से मुझे यही जानकारी देना था आप सभी को। वीडियो को पसंद आया, इससे कुछ बेनिफिट हुआ है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैग लगाते हैं डिस्क्रिप्शन में उन सभी को पता चले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।